अब प्रश्न ये होता है कि हम क्या नाम जाप करें। प्रभु के तो अनंत अनंत नाम है, किस नाम का जाप करें। और दूसरा प्रश्न है कैसे जाप करें, क्या जपें और कैसे जपें, ये प्रश्न है। इसका सीधा सा उत्तर यह है, गुरु कृपा से जो भी प्रभु का नाम प्राप्त हुआ है उसी नाम को जप करो। एक नहीं अनंत अनंत प्रभु के नाम है। और यदि अभी गुरु नहीं बनाया, अभी ऐसा संयोग नहीं बना, तो फिर जो भी नाम आपको प्रिय लगे प्रभु का उसी नाम का जाप आज से नहीं अभी से प्रारंभ कर दें। फिर आप सुनेंगे गुरु प्रदत्त नाम जाप करो। यदि गुरु नहीं बनाया, जो प्रभु का नाम आपको प्रिय लगे, राम कृष्ण शिव आदि, उन्हीं नामों का जाप करो। फिर नाम जप की कृपा से संत भी मिलेंगे, गुरु भी मिलेंगे, भगवान भी मिलेंगे, सब कुछ हो जाएगा। केवल नाम जाप करो, क्योंकि संत मिलते हैं अब मोई भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो ये संतों का मिलन का संयोग भगवान बना देंगे, बस नाम जाप करो, प्रभु कृपा से सब संभव है। इसलिए मैं कहता हूं एक क्षण भी व्यर्थ न जाने दो। श्वास श्वास हरि नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, न जाने इस श्वास का फिर आवन होए न हो। चलते फिरते उठते बैठते, नहाए बिना नहाए, खाए बिना खाए, दिन में रात को जैसे भी कर्म करते हुए हर समय नाम जाप का अभ्यास करें, यदि अपना भला करना चाहते हो। जिसको हम अपना भला कहते हैं, अच्छा खाना मिल गया, अच्छा पहना मिल गया, अच्छा पैसा मिल गया, अच्छी मान इज्जत सम्मान सब हो गया, अच्छी पत्नी मिल गई, अच्छा पति मिल गया, परिवार अच्छा मिल गया, ये भला नहीं है। ये तो मौत से पहले पहले दिखता है, सब अपना है। जो ही मौत आएगी एक क्षण में पता चल जाएगा कोई कुछ नहीं। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। बस इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा, अरे मन ये दो दिन का मेला रहेगा। तो भगवान के सिवा और कोई हमारा नहीं है। साधु मैंने जैसे कल बताया था बहुत है, नक्श से सिखलों रोए जेते, विधना के मार्ग हैं तेते। प्रभु को पाने के तो अनंत अनंत मार्ग हैं, लेकिन सब क्लिष्ट हैं, कठिन हैं। सबसे सरल मार्ग है नाम जाप, और इसकी महिमा भी सबसे अधिक है। गीता में कहा है भगवान ने, यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि। मेरी प्राप्ति के लिए जितने भी शुभ कर्म किए जाते हैं उन सब का नाम यज्ञ है। उन सब यज्ञों में यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में सबसे ऊंचा यज्ञ है नाम जप यज्ञ। इससे बढ़ करके और कोई शुभ कर्म नहीं है। अब दूसरा प्रश्न है कि ठीक है, समझ में आ गया कि क्या जपे, लेकिन किस प्रकार जपे। तो नाम जप के तीन प्रकार हैं। एक तो है बोल बोल करके, जैसे राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, ये हो गया बोल बोल कर जप करना, इसको बोलेंगे वाचिक जप। एक हो गया धीरे धीरे, इतना धीरे बोले कि हमारे कान ही ध्यान से सुने तब सुन पाए, नहीं तो दूसरा तो कोई सुन ही ना पाए। इतना धीरे बोलो, जैसे राधा कृष्ण ऐसे, सिर्फ हल्का सा श्वासों की आवाज आएगी। इस जप को बोलते हैं उपांशु जप। एक होता है मानसिक जप, वो है होठ जीभ बंद करके मन ही मन भगवान के नाम का जाप करें। और ये तीनों जाप हम एकांत में भी कर सकते हैं, कर्म करते हुए भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं, यहां तक कि शौचालय में बैठे हुए भी कर सकते हैं। तीनों प्रकार के जाप, लेकिन जो मंत्र है, मंत्रों का जाप ऐसे नहीं कर सकते। मंत्रों का जाप पवित्र होकर के एक आसन पर बैठ करके करना चाहिए, चलते फिरते मंत्रों का जाप नहीं करना चाहिए। हाँ, नाम का जाप कैसे भी करो।
सर्वावस्थान गतो पीवा यह समृद्ध पुण्यकाक्षम सह बाह्य अभ्यंतर सूचि सर्वावस्थान गतो पीवा। किसी भी आप अवस्था में हो आप नाम जाप कर सकते हैं, लेकिन मंत्रों का जाप नहीं ऐसे करना चाहिए। मंत्रों का जाप अनुष्ठानिक ढंग से पवित्र होकर ही तभी हम मंत्रों का जाप कर सकते हैं, लेकिन कलयुग में ये पवित्रता अधिक समय तक टिकती नहीं है, इसलिए नाम जाप करना चाहिए। गुरु मंत्र सुबह शाम और नाम जाप आठो याम करते रहो। तो तीन प्रकार के मैंने जाप बताए, वाचिक जाप बोल बोल करके, उपांशु जाप धीरे धीरे जो दूसरा सुन ना पाए, और मानसिक जाप मन ही मन बिना होठ जीभ हिलाए। ये तीन प्रकार के जाप हैं। और वाचिक जाप दो प्रकार के हैं, एक तो राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण ऐसे जो जप करते हैं वो वाचिक जाप, और एक होता है नाम का संकीर्तन, गा गा करके हरि नाम संकीर्तन करना है। इसकी महिमा 100 गुना अधिक हो जाती है यदि हम गा गा करके नाम संकीर्तन जिसको कहते हैं, तो फिर इस नाम की महिमा 100 गुना अधिक बढ़ जाती है। इसलिए कीर्तन भी करना चाहिए। नाम जब तो आप हमेशा करते रहते हैं, साथ में नहीं भी अधिक, कम से कम प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य को आधी घड़ी का संकीर्तन करना चाहिए। आधी घड़ी का अर्थ होता है 12 मिनट, 3 मिनट प्लस कर दो भूल चुके तो 15 मिनट मैं कह देता हूं। तो कम से कम आधी घड़ी तो प्रत्येक साधक को प्रभु के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। आप शिव उपासक है तो शिव नाम का संकीर्तन करें, माते श्री भगवती दुर्गा के उपासक हैं तो दुर्गा जी के नाम का संकीर्तन करें, राम कृष्ण के उपासक हैं युगल मंत्र महामंत्र संकृष्ण कीर्तन करें। इसी प्रकार से आप संकीर्तन अवश्य करें, अधिक नहीं तो आधी घड़ी प्रत्येक साधक को संकीर्तन करना चाहिए। और नाम जब तो फिर चलते फिरते उठते बैठते हर समय करो, और गुरु मंत्र भी प्रतिदिन व्यक्ति को करना चाहिए बैठ कर, दो माला चार माला जितनी भी आप आज समय दे सकें बैठ करके आसन पर स्नान उपरांत पवित्र वस्त्र धारण करके आचरण पूर्वक, और आप जितना भी समय दे सकें जितना समय आपके पास हो बैठ करके गुरु मंत्र जाप करें, मंत्रों का जाप करें। उसके बाद जब आप उठेंगे एक मंत्र करके फिर नाम जप प्रारंभ कर दें, फिर तो चलते फिरते श्वास श्वास हरि नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, न जाने इस श्वास का फिर आवन हो न हो। और इसी प्रकार कीर्तन तो हमको नित्य नियम ही बनना है। गुरु मंत्र का नित्य नियम करो, नाम जप का भी जो संख्या निर्धारित कर रखी है 8 माला 16 माला 2 माला जो भी आपकी निर्धारित संख्या हो, नाम जाप भी आप नियमित करें, कभी नियम टूटे ना, गुरु मंत्र का भी नियम ना टूटे, और तीसरा कीर्तन का भी नियम न टूटे। हम गाड़ी चलाते हुए चलते चलते कीर्तन करें, गुनगुनाते रहो, अकेले भी कर सकते हैं, सब मिलकर भी कर सकते हैं, केवल परिवार के लोग मिलकर भी कर सकते हैं, गली मोहल्ले के लोग मिलकर कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं, मंदिर में भी, सार्वजनिक जो मंदिर है वहां भी आप कीर्तन कर सकते हैं। और ये नियम टूटे ना, 100 दिन तक यदि आप लोगों ने नियम निभा लिया, नित्य नियम निभा लिया, तो आपको नहीं पता आपके ऊपर कितने संतों की कृपा बरसने लग जाएगी। गुरु मंत्र नाम जाप, मंत्र जाप नाम जाप और नाम संकीर्तन 100 दिन लगातार कोई निभा जाए, अनेक संतों की कृपा दृष्टि से निहाल हो जाता है, यमदूत उसको छू नहीं सकते मृत्यु के समय। कम से कम 100 दिन का ये नियम हो, और साथ साथ में आप अपना आचरण भी पवित्र रखें, खान पान शुद्ध रखें, व्यवहार शुद्ध रखें, क्योंकि जब तक आहार शुद्ध नहीं होगा तब तक विचार शुद्ध नहीं होगा, और जब तक विचार शुद्ध नहीं होगा तब तक व्यवहार शुद्ध नहीं होगा। और तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा वो ये कि जिनका नाम जप का अभ्यास नहीं है छूट जाता है, भूल जाते हैं, चूक हो जाती है, इधर उधर मन जो ही भटका तुरंत नाम जप भूल जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में यह है
कि हाथों से जब कोई काम ना करो तो माला जपो, विश्राम ना करो। जब भी आप खाली हैं, टीवी देख रहे हैं, बैठे हैं, घूम रहे हैं, लेटे हैं, समय पास कर रहे हैं, खाली हैं, हाथों से कोई काम ही नहीं करे, तो ऐसे स्थिति में अपने हाथ में माला झोली ले ले। नाम जप आप बिना स्नान के भी, मैंने कहा ना, कर सकते हैं, तो बस माला ले। टीवी देख रहे हैं, नाम जपते जपते टीवी देखो। ये प्रमाण है शास्त्र का। स्वयं गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा, युद्ध छोड़ करके मेरा भजन नहीं करना, युद्ध करते करते भजन करो। तस्मात सर्वेषु कालेषु मामानुस्मर युद्ध च, तो हर समय मेरा स्मरण भी कर और साथ में युद्ध भी कर। अर्जुन कहता था, मैं युद्ध छोड़ करके जंगलों में चला जाऊंगा, भिक्षा मांग के भोजन करूंगा, जंगलों में चला जाऊंगा, भक्ति करूंगा, तपस्या करूंगा। लेकिन भगवान ने कहा ना, कर्म छोड़ करके भक्ति करने की आवश्यकता नहीं। जो तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है, कर्म है, यह क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए भजन करना है। तस्मात, गीता का श्लोक है, तस्मात सर्वेषु कालेषु मामानुस्मर और युद्ध च, मेरा स्मरण भी कर और साथ में युद्ध भी कर। तो गीता का वाक्य है, ना हरि छोड़ो ना जग छोड़ो, ना हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता है पानी में। कर्म छोड़ने की आवश्यकता नहीं। युगों युगों से जैसे चमके सूरज चांद सितारे, एक दिन ऐसे ही चमकेंगे तेरे भाग्य सितारे। बस राम का नाम लिए जा और अपना काम किए जा।